वो ज़माना चला गया कि लोग एक्टर पे पागल होते थे, वो अभी नहीं रहा। आप समझते मैं स्टार हूँ, ये हूँ, कोई पूछता नहीं आपको, ये देख लीजिए ना। हेलो वन, मेरी नेम इज विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों आज फ्राइडे है और आज के दिन अभिमन्यु दसानी एंड मृणाल ठाकुर स्टारिंग आंख मिचोली रिलीज हो गई है। हमारे साथ में आ गया हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। आप ऐसे आज बैठ गए हो, फ्राइडे का दिन है, थिएटर पे होना चाहिए, गेटी गैलेक्सी पे होना चाहिए, क्या हो गया? सब थिएटर घूम के मैं तो आ गया आज। ओके, इतना परेशान हो गया कि मेरे लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं मैंने कि ऐसा भी दौर आ सकता है। चलो माना है नया टेक्नोलॉजी आया है तो अप एंड डाउन होते रहते हैं, नहीं इतनी बुरी हालत हो गई थिएटर की पता नहीं था। गए हफ्ते आई थी तेजस, कंगना रनौत की बड़ी पिक्चर, शोज कैंसिल हो गए। आज भी यही हाल हुआ, उमेश शुक्ला की पिक्चर है जिसने ओ माय गॉड बनाई, 102 अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई, ये मल्टी स्टार है, परेश रावल है, विजय राज है, सलमान जोशी है, बड़े बड़े कलाकार है, उनको देखने में 10 लोग भी नहीं आए, मतलब क्या है ये। आज भी शो कैंसिल हो गया, काफ़ी टाइम तक रुका, पता नहीं लोगों को क्या पसंद है। अच्छा, तो गए तो तेजस फ्लॉप तो छोड़ दो, शोज कैंसिल हो गए। उसमें एक पिक्चर थी 12वीं फेल जी, जो कोई स्टार कास्ट बड़े स्टार कास्ट कुछ नहीं, वो चल गई। तो लोगों को क्या चाहिए पता नहीं, मैंने कभी देखा ना आज तक इतने 50 सालों में कि शोज कैंसिल होते, पिक्चरें फ्लॉप होती है। तो 60% 50% 40% चलती है, 2-3 महीने 10 वीक से चलती है। पिक्चर कब निकालते, जब 10% 20% पब्लिक आएगी फिर निकालते थे। यहाँ तो पहले दिन ही सिर्फ 2 या 3 लोग थे, तो बात समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब वो मंजर देखने के लिए बहुत, हम वो देख के परेशान हो जाते हैं कि पब्लिक बॉक्स ऑफिस पे नहीं आ रही। अभिमन्यु दसानी है और मृणाल ठाकुर है, जी हाँ। इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहोगे, मतलब पब्लिक क्यों नहीं आई इन दोनों को देखने के लिए? चलो ये तो छोटे स्टार, जब बड़े स्टार के भी नहीं आए तो इसके लिए कौन आएगी? और जब उमेश शुक्ला जाना माना डायरेक्टर है, क्या मतलब क्या कहोगे इसके बारे में अभी? मतलब आपको क्या टाइगर बढ़ानी चाहिए, यही बात होगी ना आखिर में। इसके लिए सलमान ने भी डायलॉग कहना कि ये बॉलीवुड हमको ही चलाना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो ऐसी सच्ची लग रही है, लोग देखने नहीं आते। पिक्चर फ्लॉप होगी वो अलग बात है, पहले आप देखिए, पहला शो चलना दीजिए, फिर पता चले कि पिक्चर अच्छी है कि फ्लॉप है। आप तो पहले ही फ्लॉप कर दिए। और सुनने में आया था मनोज जी ने इन मेकर्स को गॉसिप का थिएटर भी दिया था। जी हाँ, जी हाँ था, लेकिन इन मेकर्स ने जिद करके कहा कि हमको गेटी चाहिए। गॉसिप 110 सीट का कैपेसिटी है और गेटी 1000 सीट का है, तो इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि 1000 सीट में लोग आएंगे, 500 लोग। आज 5 लोग नहीं थे, सिर्फ 3 लोग थे। बहुत बॉलीवुड के लिए बड़ा खतरा है। कहाँ पे कुछ गलती हो रही कहीं है? कहीं तो प्रमोशन मार्केटिंग प्रमोशन में गलती हो रही है, क्या प्रमोशन मार्केटिंग तो करना बहुत ज़रूरी है। आपको देखने लोग आएगी नहीं, वो ज़माना चला गया कि लोग एक्टर पे पागल होते थे, वो अभी नहीं रहा। आपको बुलाना पड़ा, आपको धंधा करना है तो आपको चिल्ला चिल्ला के पुकारना पड़ेगा कि आइए हमारे थिएटर में, वरना कोई नहीं आएगा। आप समझते मैं स्टार हूँ, ये हूँ, कोई पूछता नहीं आपको, ये देख लीजिए ना कंगना का क्या हाल हुआ, इसका भी क्या हाल हो गया। तो वो ज़माना चला गया, प्रमोशन आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी पिक्चर आप ही खुद ही देखोगे। यस, इसके साथ में 2 पिक्चरें और अनाउंस हुई थी, एक राज कुंद्रा की बायोपिक UT69 जो जिसका शो बहुत कम दिए, शाम का शो दिया यहाँ पे बैंड्रा में। ओके, पर मेन बात है ऑडियंस थिएटर तक आती है कि नहीं, पब्लिक कब आएगी? जब कोई आदमी चिल्लाता है भाई क्यों चिल्ला रहे लोग, तो नज़र जानी चाहिए क्या ये आदमी चिल्ला क्यों रहा है, तब जाके लोग आएंगे। प्रमोशन तो कीजिए, कहीं प्रमोशन नहीं कुछ नहीं, कौन आएगा ऐसा? अभिमन्यु दसानी सोलो में आ रहे हैं, नहीं थोड़ा बहुत ट्रेलर में भी देखा हमने, क्या लगता है कि वो सोलो मुश्किल है? नहीं, सोलो में पब्लिक खींच सकता है? नहीं खींच सकता, टाइम लगेगा अभी उसको, क्या करना चाहिए, कैसे आना चाहिए? ये सब बड़े बड़े जो पिक्चर बनती है ना, जो बड़े एक्टर के बीच में आना चाहिए उनको, तब जाके काम होगा। टाइगर भी नहीं चल पाए थे सोलो में, तो गणपत तो बहुत प्रॉब्लम है। 16 हीरो इन लोगों को साथ में आना है, साथ में भी देखो जो एक्टर्स है, सिद्धार्थ मल्होत्रा ले लो, वरुण धवन ले लो, विकी कौशल हो गया, बराबर ये अभिमन्यु हो गया, टाइगर श्रॉफ हो गया, इन सब लोगों को साथ में आना चाहिए, कुछ एक पिक्चर करनी चाहिए। 16 हीरो कब चलेगा?
जब करण जौहर लॉन्च करे यशराज करे तो सोलो चल सकता है, क्यों उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो बना सकता है okay. किस तरह पेश करना, किस तरह उनके जो गाने होते हैं वो कर सकते, बाकी डायरेक्टर में वो बात नहीं है कि नए लड़के को लॉन्च करके बताए और चले, आप देखें ना क्या हो गया। yes, काफ़ी ज़्यादा नाराज था और जब मैंने बात फ़ोन पहला फ़ोन किया तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी लग रहे थे हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी, क्योंकि आज एक बंदा नहीं आया टिकट खरीदने को जो नई फिल्म लगी है वो देखने के लिए। हमारी बॉलीवुड प्रेमी की टीम शाम का शो कोशिश करेगी UT69 का देखने के लिए, अगर शो चालू हुआ तो रिव्यू हम ज़रूर लेके आएंगे। विजय जी थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके प्रेशियस टाइम के लिए एंड फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन।